यूपी के जनपद आगरा से एक बड़ी खबर आपको बता दें। यूपी के जनपद आगरा में चोरों ने तहसील परिसर को ही निशाना बना डाला। तहसील परिसर में चोरों ने राजस्व विभाग के सरकारी वकील की दुकान पर हाथ साफ कर दिया। मामला यूपी के जनपद आगरा की फतेहाबाद तहसील परिसर का, जहां पर राजस्व विभाग के सरकारी वकील राजेश कुशवाहा की दुकान पर चोरों ने धावा बोल दिया। चोर ने राजेश कुशवाहा की दुकान से इन्वर्टर, बैटरी, दो कलर प्रिंटर समेत तमाम कीमती सामान चोरी कर ले गए। वहीं आपको बता दें कि राजस्व विभाग के सरकारी वकील राजेश कुशवाहा द्वारा थाना फतेहाबाद में तहरीर दी गई है। राजेश कुशवाहा एडवोकेट है, मैं सरकारी वकील हूँ राजेश कुशवाहा, अपने तखत पे स्टेटस भी करता हूँ और सरकारी कार्य भी करता हूँ तहसील पत्थर में। आपके यहाँ क्या घटना घटी है? देखिए, अभी यहाँ फोर्टेटेड की मशीन कैनन की और प्रिंटर इन्वेटर नया जो खोखा लगवाया था, बड़ा लड़का यहाँ मानवेंद्र बैठता था, मेरी भी सुविधा हो जाएगी, मेरी फोर्टेटेड कुछ पड़ती है। और शाम को 5 बजे 8 तारीख को हम बंद करके खोखे को गए थे। सुबह 7 बजे यहीं एक फोर्टेटेड का मालिक है करणवीर, उसने मुझे फ़ोन किया कि बगिन साहब आपके खोखे में ताले नहीं हैं। हमने कि ताले लगे थे, तुरंत हम आए, देखा सारी चीज़ जितनी मैंने बताई वो सब गायब मिली। जहाँ तक है क्या क्या सामान चोरी हुआ है? एक कैनन की मशीन बड़ी फोटोस्टेट, दूसरा एप्सन का प्रिंटर नया, 4 रिम पेपर, इन्वेटर और 2 बैटरी स्पीड की, 150 HP की और पानी के कैंपर तक रखे थे, कैंची तक रखी थी और पंच मशीन तक, मोहरें तक, किसी कोई चीज़ छोड़ी नहीं है। और इसमें मुझे विश्वास है लोकल के लोगों का अवश्य आते हैं। ये कहाँ की घटना है? घटना तहसील परिसर म्युनिसिपल कोर्ट सामने है, पीछे रजिस्ट्री दफ्तर है, बगल से SDM साहब का कार्यालय, बगल से CO कार्यालय, बगल से हॉस्पिटल, सरकारी दफ्तर बने हुए हैं सब। और फतेहाबाद हाँ बादशाह परिसर बोलते हैं।